गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू फोर्थ चैप्टर. ओपन द पेज नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट डे. क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया था. 5 तक क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको होमवर्क दिया था. ठीक है, मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 47, 77 एंड 89, लीविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस. ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है डेट इज डिवाइड्स 47, 77 एंड 89, लीविंग द रिमाइंडर 5 इन ईच केस. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6. सिंस द नंबर्स आर लीविंग 5 as reminder, we will find the HF of forty-seven minus five, seventy-seven minus five, eighty-nine minus five करेंगे. ठीक है, आपके क्वेश्चन में गिवन है द रिमाइंडर 5 इन ईच केस लीविंग. ठीक है, तो माइनस करके राइट करेंगे. 47 में 5 माइनस किया 45, 77 5 माइनस किया 72, 89 में 5 माइनस किया 84. ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है 72 को आप एज अ डिविडेंड राइट करोगे. ओके, 42 का से डिवाइड कर 72 डिवाइड बाय 42 करेंगे. 42 हो तो 42 टूज आपका 84 होगा. 84 72 से बड़ा होगा तो वन टाइम पे डिवाइड करेंगे. माइनस करेंगे 72 में 42 को, 30 आएगा. ओके, 30 आपका क्या हो जाएगा डिवाइजर और 42 आपका डिविडेंड. जो आपका रिमाइंडर आया वो आपका डिवाइजर हो जाएगा. ठीक है, अगेन इसको डिवाइड करेंगे. 30 में 42 नहीं आता है, उससे छोटा आपका 30 आता है. वन टाइम पे माइनस किया 42 में 30 को, 12 आएगा. 12 जो रिमाइंडर आया 12 वो आपका एज अ डिवाइजर हो जाएगा. 12 की टेबल में 42 नहीं आता, उससे छोटा 36 आता है. 3 टाइम पे आते हैं, माइनस करेंगे 42 में 36 को, 6 आएगा. ओके, जब तक हमें रिमाइंडर आपका 0 ना मिले तब तक हमको इसको डिवाइड करना है. 36 आया, 6 आपका रिमाइंडर डिवाइजर हो गया. ठीक है, अब 6 की टेबल में 36 6 टाइम पे आता है, माइनस किया 0 0, रिमाइंडर आपका 0 आया. नाउ वी फाइंड एचएफ ऑफ 6 एंड 84 अब अपन 6 और 84 का एचएफ फाइंड करेंगे. ठीक है, अभी अपन ने 42 72 का फाइंड किया था, अब 6 एंड 84 का फाइंड करेंगे. 84 डिवाइड बाय 6, 6 की टेबल में 84 नहीं आता है. ठीक है, अपन 6 की टेबल में 8 नहीं आता, 6 आता है. वन टाइम पे माइनस किया, 2 आया. आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, 84 डिवाइड बाय 6 करेंगे, 6 की टेबल में 84 14 टाइम्स में आता है. 84 माइनस 84 करेंगे, 0 आ जाएगा रिमाइंडर. ठीक है, एचएफ ऑफ 42 एंड
72 इज 6, 42 और 72 का एचसीएफ 6 आया, दस एचसीएफ ऑफ 42, 72 एंड 84 इज 6, 42, 72 एंड 84 का एचसीएफ 6 आंसर राइट करेंगे, हैंस द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज 80। सॉरी 80 नहीं होगा, द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर राइट करना है, द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर आपका 6 आया, ठीक है, ये 6 आया है, द रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज 6 होगा, ठीक है, आंसर आपका 6 आया है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन रिड्यूस बाय 2 बिकम डिविजिबल बाय 24, 48, 64, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द स्मॉलेस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय 24, 48, and 64 is the LCM of these number. LCM find करेंगे, टू की टेबल में 24 12 टाइम पे, 48 24 टाइम पे, 64 32 टाइम पे, अगेन टू के टेबल में 6 टाइम पे, 24 12 टाइम पे, 32 16 टाइम पे, टू के टेबल में 6 3 टाइम पे, 12 6 टाइम पे, 16 8 टाइम पे, टू की टेबल में 3 नहीं आता है, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 6 3 टाइम पे, 8 4 टाइम पे, टू की टेबल में 3 नहीं आता, कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 4 2 टाइम पे, 3 3 कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 1 टाइम पे, 3 को 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, ठीक है, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू टू इंटू टू कितने टाइम्स पे हैं, 6 टाइम पे हैं, ठीक है, इंटू टू इंटू 3, टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 3 ज़ा 192, 192 आपका आंसर आ गया, क्लियर। अब आप इसमें क्वेश्चन में आपका एक और ऐड है, व्हेन रिड्यूस बाय 2 बिकम डिविजिबल बाय, ठीक है, तो हमको 2 क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो 192 आपका आया है, बट अभी इसमें आप 2 क्या करोगे, ऐड करोगे, दस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर विल बी 192 प्लस 2 इज इक्वल टू 194 आपका आंसर आ गया, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 9, 3 पीसेस ऑफ टाइम, क्वेश्चन नंबर 9 के पहले क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ द टॉप हूज होल लेंथ कैन बी यूज टू मेजर द लेंथ 56 सेंटीमीटर एंड 140 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। ग्रेटेस्ट लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है, एक टॉप है उसकी होल जो पूरी लेंथ है वो कैन बी यूज द मेजर द लेंथ 56 सेंटीमीटर 140 सेंटीमीटर, तो हमें
क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, दे रिक्वायर लेंथ 56 centimeter and 140 centimeter exactly. HCF of 56 and 140. फिफ्टी सिक्स की टेबल 140 नहीं आता, उससे छोटा आपको 112 आता है टू टाइम्स में, ओके। 140 माइनस 112 करेंगे, माइनस करने पर आपका 28 आएगा। रिमाइंडर आपका 28 आया, वो डिवाइजर हो जाएगा, ठीक है। आपका जो डिविडेंड है वो 112 होगा। 112 डिवाइड बाय 28 करेंगे, 28 की टेबल में 112 फोर टाइम पे आता है। 112 माइनस 112 करेंगे, रिमाइंडर आपका जीरो आएगा, ठीक है। हैंस द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ अ टैप इस 28 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर होगी? 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 लेफ्ट है आपके लिए, होमवर्क है। टर्न है पेज नंबर 62 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 10 है। देयर आर 36, 48 and 60 फ्लावर पॉट्स इन अ गार्डन। गार्डन में 36, 48, 60 फ्लावर्स के पॉट। दीज फ्लावर पॉट्स कैन बी अरेंज इन अ रो हैविंग सेम नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स। गार्डन पे जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, उनके पॉट्स को रो पे अरेंज किया हुआ है, सेम नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स। फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर पॉट्स दैट कैन बी अरेंज इन अ सिंगल रो। तो सिंगल रो पे मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स जो पॉट है वो कितने होंगे फाइंड कर, ठीक है। डेट कैन बी अरेंज, कितने अरेंज किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर्स पॉट डेट कैन बी अरेंज्ड इन अ सिंगल रो। फोर्टी एट डिवाइड बाई 36 किया, 36 की टेबल में 48 नहीं आता, उससे छोटा 36 आता है वन टाइम पे, माइनस किया 48 माइनस 36 12 आएगा। 12 जो रिमाइंडर है वो आपका डिवाइजर हो जाएगा, 36 को डिविडेंड राइट करेंगे। देन 36 डिवाइड बाई 12 करेंगे, 12 की टेबल में 36 थ्री टाइम पे आता है, 36 माइनस 36 किया जीरो आया रिमाइंडर, ओके। देन आपका 60 है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, सिक्सटी डिवाइड बाय 12 करेंगे, ठीक है। 12 की टेबल में 60 फाइव फ्रेम पे आता है, 12 5 60 माइनस किया 0 0 12 आया, ठीक है। आंसर क्या राइट करोगे, 12 फ्लावर्स पॉट
मैक्सिमम कितने फ्लावर पॉट होंगे? 12 फ्लावर, क्लियर। सिंगल रो पे अपन मैक्सिमम 12 फ्लावर पॉट्स अरेंज कर सकते हैं, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 4 ही कंप्लीट कर लीजिएगा। रिव्यू टाइम गिवेन है, ठीक है। रिव्यू टाइम पे आपको एज अ रिवीजन दिया हुआ है जो आपने अभी 4 चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप अपने से करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप पूछ लीजिएगा। जो अभी आपने किया है प्राइम नंबर फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स राइट करना है, एच ई एफ भी फाइंड करते आता है आपको, ठीक है, बन जाएंगे। 4 चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा, आपका 4 चैप्टर कंप्लीट हो गया है।